गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आर नेक्स्ट क्लास ऑफ एना फिजियो इन विच वी विल स्टडी अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर. इन प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ईयर, दैट इज़ हियरिंग. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ईयर, दैट इज़ इक्विलिब्रियम. हमने पढ़ा था ना कि हमारा जो ईयर है वो दो तरह के फंक्शन कर रहा है, एक तो सुनने का काम कर रहा है और दूसरा इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने का काम कर रहा है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस. तो हालांकि हम जानते हैं कि ईयर एक सेंस ऑर्गन है और हियरिंग का काम करता है, पर ये ओरिजिनली इस हियरिंग के पर्पस से ही इवॉल्व नहीं हुआ था. एक्चुअली ये ओरिजिनली जो है इसके अंदर एडेप्टेशन हुआ था कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए. मेन काम जो ईयर का था वो था कोऑर्डिनेशन ऑफ बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस. तो कलेक्टिवली हम इसको सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कह सकते हैं. सेंस ऑफ हियरिंग का ही काम नहीं कर रहा, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम का काम कर रहा है. तो इस लाइन को अगर आप लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? ऑल दो वी थिंक ऑफ द ईयर एज द सेंस ऑर्गन फॉर हियरिंग, इट डिड नॉट इवॉल्व ओरिजिनली फॉर दिस पर्पस. इट वॉज इंस्टेड ओरिजिनली एन एडेप्टेशन फॉर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, कलेक्टिवली नोन एज द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम. अब वर्टिब्रेट्स में केवल जो है कोकलिया इवॉल्व हुआ था, मिडल ईयर की स्ट्रक्चर्स और कॉन्सिक्वेंट ऑडिटरी फंक्शन जो ईयर का है वो बाद में उसका इवॉल्व हुआ था वर्टिब्रेट्स के अंदर. तो हम क्या कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब इवॉल्वेशन हुआ था तो या जब उत्पत्ति हुई थी तो कोकलिया पहले आया था, और मिडिल ईयर और स्ट्रक्चर्स जो थी, ऑडिटरी फंक्शन जो ईयर का था वो तो बाद में डेवलप हुआ था. ह्यूमंस के अंदर ईयर के जो पार्ट्स थे वो सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम को जो अलाउड करते हैं उनमें दो तरह के होते हैं. पहला है, दो तरह के बल्कि मेनली जो है वो वेस्टिबुलर एपरेटस होता है. आपको इस डायग्राम के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि ह्यूमंस के अंदर इक्विलिब्रियम के सेंस के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? वेस्टिबुलर एपरेटस, जिसको अपन वेस्टिब्यूली भी कहते हैं. इस वेस्टिब्यूली में तीन सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स होती हैं जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और दो चैम्बर्स होते हैं जिनको आप सैक्यूली और यूट्रिकल कहते हैं. तो क्या आप इसको किस तरह से लिखेंगे? इन ह्यूमंस द पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट अलाउ फॉर द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर द वेस्टिबुलर एपरेटर्स और द वेस्टिब्यूली. दीज कंसिस्ट ऑफ द थ्री सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स एंड द टू चैम्बर्स, द सैक्यूली एंड द यूट्रिकल. ठीक है भाई, जिससे अपन सुनते हैं. ह्यूमंस के अंदर जो सुन रहे हैं वो तो ईयर हुआ, और ईयर का वो पार्ट जो इक्विलिब्रियम का सेंस हमारे को करवाता है उसको अपन वेस्टिबुलर एपरेटस या वेस्टिब्यूली कहते हैं. इसके अंदर तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, दो चैम्बर्स होते हैं जिनको अपन सैक्यूली और यूट्रिकल कहते हैं. ये जो दो कंपोनेंट्स हैं वो सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम के दो कंपोनेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं? एक तो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं हम ये कहना चाहते हैं. एक तो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? एबिलिटी टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द हेड व्हेन द बॉडी इज नॉट मूविंग. जब बॉडी एकदम स्टैटिक स्टेट में है, खड़ी अवस्था, स्थिर अवस्था में है, हिलडुल नहीं रही है, मूवमेंट नहीं कर रही है, कोई मोशन नहीं है, तो उस समय आपको डायरेक्शन की एबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए जो चीज़ है, जो कॉम्पोनेंट्स है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आता है. जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर ऑब्वियस है, इसका जस्ट उल्टा आएगा. जब आप मोशन में हैं, मोशन को आप एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, तो एक्सेलरेशन का जो परसेप्शन आपको दे रहा होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो दो तरह के इक्विलिब्रियम हो गए, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम. देर आर टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम. वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रेफरिंग टू द एबिलिटी टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द हेड व्हेन द बॉडी इज नॉट मूविंग.
द सेकेंड इज डायनामिक इक्विलिब्रियम रेफरिंग टू द परसेप्शन ऑफ मोशन और एक्सीलरेशन. अब एक्सीलरेशन क्या है उसको फिर हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दो तरह के एक्सीलरेशन अपन ने फिजिक्स के अंदर पढ़े हैं, अगर आपको याद हो तो अपनी फिजिक्स थोड़ी बहुत. दो तरह के एक्सीलरेशन, वन इज लीनियर एक्सीलरेशन एंड सेकेंड वन इज एंगुलर एक्सीलरेशन. ऐसे दो में डिवाइडेड है. लीनियर एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी रैपिडिटी, स्ट्रेट लाइन में जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो उसको अपन लीनियर एक्सीलरेशन कह रहे हैं. आप सीधा सीधा जा रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं या तेज़ी से चल रहे हैं, पर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन. और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, जब आप हेड का रोटेशन कर रहे हो तो उसकी रेट अपन एंगुलर एक्सीलरेशन में पढ़ते हैं, चेंज इन द रेट ऑफ रोटेशन. तो ये दो तरह के एक्सीलरेशन. और एक्सीलरेशन के परसेप्शन के लिए क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है. अब हमने जो ऊपर नाम लिया था मैंने थोड़ी देर पहले, सैक्यूल और यूट्रिकल, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिटेक्ट करते हैं और लीनियर एक्सीलरेशन को डिटेक्ट करते हैं, जबकि सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो एंगुलर एक्सीलरेशन को डिटेक्ट करती है. क्योंकि हमने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई वेस्टिबुली से आपको सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम का पता चलता है. वेस्टिबुली में क्या चीज़ें होती है, तीन तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है और दो चैम्बर्स होते हैं, सैक्यूलर और यूट्रिकल. उसके बाद मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम का जो सेंस है वो दो तरह से देखा जाता है, स्टैटिक और लीनियर. लीनियर जो सॉरी स्टैटिक और डायनामिक. डायनामिक फिर दो तरह का होता है, क्योंकि डायनामिक एक्सीलरेशन के परसेप्शन को बताता है. एक्सीलरेशन दो तरह का होता है, लीनियर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन. अब इनको सबको मैंने एक साथ बोला कि सैक्यूलर और यूट्रिकल जो हमने नाम लिए वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और लीनियर एक्सीलरेशन को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, जबकि सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो केवल एंगुलर एक्सीलरेशन को डिटेक्ट करने का काम करती है. इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, मैं आपको ये जो चीज़ें एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ. जैसा हमने बताया कि इन ह्यूमन्स द पार्ट ऑफ द ईयर दैट अलाउ द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर द वेस्टिबुलर एपरेटस और द वेस्टिबुलाई. These consist of the three semicircular canals and the two chambers, the sacculi and the utricle. There are two components of the sense of equilibrium. One is static equilibrium, referring to the ability to detect the direction of the head when the body is not moving. Second is dynamic equilibrium, referring to the perception of motion or acceleration. Acceleration can in turn be divided into linear acceleration, which is a change in velocity or we can say rapidity in a straight line, while the angular acceleration, which is a change in the rate of rotation of the head. Now, the sacculi and the utricle detect static equilibrium and the linear acceleration, while the semicircular canals only detect angular acceleration. Simple, समझ में आ गया होगा आपको. तो इनको थोड़ा सा और अपन देख लेते हैं कि भाई ये जो वेस्टिबुलर एपरेटस होते हैं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम कर रहे होते हैं. तो यहाँ लाइन लिखी हुई है कि वेस्टिबुलर एपरेटस मेंटेन्स द बॉडी एट द इक्विलिब्रियम. आपकी इक्विलिब्रियम में बॉडी को मेंटेन करने का काम वेस्टिबुलर एपरेटस का है. बॉडी को मेंटेन करने के लिए अपन ये वर्ड कह सकते हैं कि भाई मेनली ये हेड को मेंटेन कर रहा है बैलेंस स्टेट में, मेनली द हेड एट बैलेंस. और ये आई को स्टेबलाइज करता है एनवायरमेंट से रिलेटेड, भाई कहाँ आपको देखना है उस समय पर. तो वो क्योंकि आपकी आंखें स्थिर होंगी तब आप स्थिर हो पाते हैं, तो आपकी आईज को भी स्टेबलाइज करता है. फिर हमने बोला इक्विलिब्रियम के दो फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम के जो रिसेप्टर्स हैं वो वेस्टिब्यूल में पाए जाते हैं, जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम के रिसेप्टर सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स में पाए जाते हैं. अभी बताया मैंने आपको वेस्टिब्यूली में जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करते हैं, मेनली हेड की पोजीशन को मेंटेन करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से जुड़ी हुई पोजीशन को, रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आपके हेड को मेंटेन करते हैं.
जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम के जो रिसेप्टर्स हैं, हमने कहा सेमी सर्कुलर कैनाल्स में होते हैं, ये बॉडी की पोजीशन को बनाते हैं सडन मूवमेंट के दौरान, ग्रेविटी के दौरान जब आप लीनियर या फिर एक्सेलरेशन कर रहे होते हैं, या ये वेस्टिबुली जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से रिलेटिव आपकी बॉडी की पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं, जबकि सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपके मूवमेंट, जैसे चाहे आप रोटेशन कर रहे हो, एक्सेलरेशन या डेसिलरेशन, किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट हो रहा होता है उस समय बॉडी को मेंटेन करने का काम आपके इक्विलिब्रियम का होता है। तो ये तो हमने एपरेटस के बारे में बताया। अब ये जो नाम हमने लिए हैं इनको हम डिटेल में पढ़ लें, तो इनको अपन ने ऑटोलिथिक ऑर्गन्स बोला है। तो देखिए ऑटोलिथिक ऑर्गन्स में मैंने बताया भाई वेस्टिब्यूली मेन ऑर्गन है, और वेस्टिब्यूली में भी मैंने आपको बताया यूट्रिकल एंड सेक्यूली आता है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स आते हैं। यूट्रिकल सेक्यूली जो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात हमने पढ़ ली। अब इन पार्ट्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो नाम हमने लिए हैं ये एक्चुअली क्या हैं, इनका एक्चुअली क्या मतलब है। जितने भी नाम हमने लिए जैसे यूट्रिकल सेक्यूली क्या है, इसमें एक मैक्यूली वर्ड आएगा जो अभी तक मैंने नाम लिया नहीं है, इसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल्स आएंगे जिनको अपन पढ़ेंगे, और ये किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं वो भी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले यूट्रिकल क्या चीज़ है, तो यूट्रिकल एक इरेग्युलर ऑब्लोंग मेम्ब्रेनस सैक होता है जो वेस्टिब्यूली के मीडियल वॉल पर लोकेटेड रहता है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन मैंने कहा ना भाई लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर है, और लीनियर के लिए जो थे वो यूट्रिकल और सेक्युलर रिस्पॉन्सिबल थे। तो लीनियर एक्सेलरेशन में ही हॉरिजॉन्टल आता है, हॉरिजॉन्टल लीनियर ही है एक तरह का एक्सेलरेशन, तो उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है यूट्रिकल। सेक्युली जबकि फ्लैट होता है, इरेग्युलर शेप का एक मेम्ब्रेनस सैक है जो बोनी वेस्टिबुली की मीडियल वॉल में लोकेटेड है, ये सेक्युली की खासियत है। और एक वर्ड आया है मैक्यूली जो कि वेस्टिब्यूल के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, इनके अंदर सेंसरी हेयर सेल्स आती हैं और सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। हर एक सेंसरी हेयर सेल के अंदर एक काइनोसीलियम होता है जिसमें खूब सारे स्टीरियोसीलिया होते हैं। ये स्टीरियोसीलिया जो है वो एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए रहते हैं जिसको अपन ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हमने ऊपर बोला ना कि अपन ऑटोलिथिक ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, तो ऑटोलिथिक ऑर्गन्स में वेस्टिब्यूली आता है, वेस्टिब्यूली में यूट्रिकल सेक्यूली और सेमी सर्कुलर कैनाल्स आता है। यूट्रिकल सेक्यूली मैक्यूली क्या होते हैं, और ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन है जिसके अंदर स्टीरियो खूब सारे स्टीरियोसीलिया और एक काइनोसीलियम, हर एक सेंसरी हेयर सेल का काइनोसीलियम खूब सारे स्टीरियोसीलिया धंसे हुए रहते हैं। और ये सब कुछ हमने पढ़ा। अब देखिए तो मैंने ये जो बात बताई है वो क्या बोली है कि जो सेक्युली और यूट्रिकल है उसमें खूब सारे पैचेस हैं एक्चुअली हेयर सेल्स के, हेयर सेल्स के खूब सारे पैचेस पाए जाते होते हैं, साथ में सपोर्टिंग सेल्स होती हैं जिनको हमने एक साथ क्या कहा था, मैक्यूली या मैक्यूला कहा था, यही लाइन बोली है मैंने, मैक्यूली के अंदर कंसिस्ट ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स जिनको अपन ने मैक्यूला कहा। मैक्यूला एक्चुअली सेक्यूली की वॉल पर वर्टिकली पाए जा रहे होते, मतलब खड़ी अवस्था में मैक्यूली पाए जा रहे होते हैं। कहाँ पर पाए जा रहे हैं, सेक्यूली की वॉल पर, तो इसको अपन मैक्यूला सेक्यूलाई कहते हैं। ये जो मैक्यूला है उसको अपन मैक्यूला सेक्यूलाई कहते हैं क्योंकि ये सेक्यूला की वॉल पर वर्टिकली खड़े रहते हैं, जबकि यूट्रिकल की फ्लोर पर ये मैक्यूला हॉरिजॉन्टली पाए जाते हैं, वहाँ अपन इनको मैक्यूला यूट्रिक्यूलाई कहते हैं। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। और हर एक, इसमें हेयर सेल की बात हमने कही, इसमें हर एक हेयर सेल जो है मैक्यूला के हर एक हेयर सेल में मैंने खूब सारे स्टीरियोसीलिया पाए थे, कितने, लगभग 40 से 70 स्टीरियोसीलिया इसके अंदर पाए जा रहे होते हैं। स्टीरियोसीलिया क्या है, हेयर सेल्स पर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैकेनिकल स्टिम्यूलाई को सेंस हमें करवाती है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक
ट्रूसीलियम होता है। ट्रूसीलियम क्या है, एक टेल लाइक सेल का प्रोजेक्शन होता है जिसको अपन काइनोसीलियम कह रहे हैं, जो वर्ड आया ना काइनोसीलियम। काइनोसीलियम एक पूंछ के जैसा सेल का प्रोजेक्शन, सेल में से निकला हुआ प्रोजेक्शन, जैसे लगता है पूंछ निकली हुई है उस सेल में से, इसको अपन एक ट्रूसीलियम भी कह सकते हैं। और फिर हमने ये जो लाइन बोली कि स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलियम जो है वो एक जेली लाइक मेम्ब्रेन में धंसे हुए रहते हैं, जिसको अपन ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन जो है वो वेट डाउन रहती है ग्रेन्यूल्स के द्वारा, जिनको अपन ऑटोलिथ्स कहते हैं। ऑटोलिथ्स जो होते हैं वो डेंसिटी और इनर्शिया ऑफ मेम्ब्रेन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं और हमारे को ग्रेविटी और मोशन का सेंसेशन करवाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये जो मैंने लाइंस बोली हैं इसको मैं एक बार फिर से आपके सामने बता देती हूँ कि मैंने क्या बोला। एक्चुअली इंग्लिश में बोल के बता देती हूँ, सेक्युलर यूट्रिकल का मैंने डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं उसमें दिया है, और उसके अलावा और जो मैंने बोला है उसका सेंटेंस कैसे आप लिख सकते हैं, तो आप देखिए दैट द बोथ सेक्युली एंड यूट्रिकल कंटेन अ स्मॉल पैच ऑफ हेयर सेल्स एंड देयर सपोर्टिंग सेल्स which collectively are known as macula. The macula lying vertically on the wall of the saculi is called the macula saculi, while the macula lying horizontally on the floor of the utricle is called the macula utriculi. Each hair cell of a macula has about 40 to 70 stereocilia. Stereocilia is the structures on the hair cell that sends mechanical stimuli. As well as it contain one trucilium, that is a tail-like cell projection called a kinocilium. The tips of the stereocilia and the kinocilium are embedded in a jelly-like membrane called the otolithic membrane. This membrane is weighed down by granules which are referred to as otoliths. The otoliths add to the density and inertia of the membrane, एडिंग इन सेंसिंग ग्रेविटी एंड मोशन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि भाई सेक्युला यूट्रिकुलाई में खूब सारे हेयर सेल्स पाए जाते हैं, सपोर्टिंग सेल्स पाई जाती है, इनको मिला करके अपन मैक्यूला कह देते हैं। मैक्यूला सेक्युला के ऊपर वर्टिकली, जबकि यूट्रिकल के फ्लोर पर वो हॉरिजॉन्टली पाए जाते हैं। सेक्युला के साथ इनको मैक्यूला सेक्युलर, यूट्रिकल के साथ में मैक्यूला यूट्रिकुलाई कहते हैं। हर एक हेयर सेल्स, मैक्यूला के हर एक हेयर सेल्स में 40 से 70 स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं और एक ट्रूसीलियम पाया जाता है जिसको अपन काइनोसीलियम कहते हैं। स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलियम दोनों जेली लाइक मेम्ब्रेन में धंसे हुए रहते हैं जिसको ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये ग्रेन्यूल्स के द्वारा नीचे लटकी हुई रहती है जिसको अपन ऑटोलिथ्स कहते हैं। ऑटोलिथ्स डेंसिटी और इनर्शिया ऑफ मेम्ब्रेन के साथ में मिलकर के हमारे को ग्रेविटी और मोशन का सेंस करवाती है, ये इसका फंक्शन मैंने आपको बताया। अब इसके बाद अपने को और क्या देखना है, और क्या पढ़ना है, तो देखिए अब अपन फंक्शनिंग थोड़ी सी पढ़ते हैं कि कैसे ये चीज़ें सारी की सारी मिलकर के फंक्शनिंग कर रही होती है। तो फंक्शनिंग अपन इनकी पढ़ें, उससे पहले अपन पढ़ते हैं किसके बारे में कि भाई फंक्शनिंग में अपन क्या कर रहे होते हैं। तो एक तो हेड को टिल्ट कर रहे हैं, उसको कैसे डिटेक्ट करेगी हमारी बॉडी या हमारा ईयर, उसको कैसे डिटेक्ट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं डिटेक्टिंग टिल्ट ऑफ द हेड। अगर आप हेड को टिल्ट करते हैं किसी साइड, तो हॉरिजॉन्टली अगर आप टिल्ट करते हैं हेड को, तो आपका मैक्यूला यूट्रिकुलाई उसको डिटेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैक्यूला जो है यूट्रिकुलाई के ऊपर हॉरिजॉन्टली पाया जा रहा होता है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टली हेड को टिल्ट करते हैं तो उसको मैक्यूला यूट्रिकुलाई टिल्ट करेगा, और अगर आप वर्टिकल टिल्ट करते हैं तो उसको मैक्यूला सेक्यूलाई डिटेक्ट करेगा। जब हेड को आप अपराइट, अगर आपका हेड अपराइट है, तो ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन वेज डाउन हो जाती है डायरेक्टली हेयर सेल के ऊपर, और आपका स्टिमुलेशन एकदम मिनिमम रहता है। जबकि अगर आपने हेड को टिल्ट किया है, तो आपका जो मेम्ब्रेन की वेट है, मेम्ब्रेन का वेट है, वो स्टीरियो सीलिया को बेंड कर देगा,
और हेयर सेल्स को स्टिम्यूलेट करेगा। स्टिम्यूलेशन कैसे मिल रहा है? अगर वो अपराइट है तब तो बहुत कम स्टिम्यूलेशन मिलता है, पर अगर वो टिल्ट हुआ है तो आपकी हेयर सेल्स को स्टिम्यूलेशन मिलेगा। और हेड का कोई भी ओरिएंटेशन हो तो उससे ये कॉम्बिनेशन में ही स्टिम्यूलेशन मिलता है यूट्रिकल्स को और सेक्युला को, हमारे दोनों कानों के अंदर। और ओवरऑल जो ओरिएंटेशन है आपके हेड का, वो फिर आपका ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि भाई वो इस समय सीधा है या किसी तरफ टिल्ट हुआ है, मुड़े हैं, झुके हैं, जो भी है वो आपका ब्रेन इंटरप्रेट करेगा और कंपेयर करेगा दोनों ऑर्गन से क्या इनपुट मिल रहे हैं एक दूसरे को, और आई से क्या इनपुट मिल रहा है, और नेक के स्टेप रिसेप्टर्स, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, उनसे क्या मिल रहा है इनपुट, उन सबको मिला करके एक साथ आपका ब्रेन जो है वो डिटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से डिटेक्टिंग आपके हेड के टिल्टिंग की होती है, जो मैंने आपको बताया कि अगर हॉरिजॉन्टल टिल्ट हो रहा है तो मैक्यूला यूट्रिकुलाई, और अगर वर्टिकल टिल्ट हो रहा है तो मैक्यूला सेक्यूलाई का रोल होता है। हेड अगर अपराइट है तो ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन जो है वो हेयर सेल्स के ऊपर वेस डाउन रहती है और बहुत कम स्टिमुलेशन मिलता है, और अगर हेड टिल्ट हो गया तो मेम्ब्रेन जो है वो स्टीरियोसीलिया के को बेंड करेगी हेयर सेल्स के ऊपर, तो हेयर सेल्स को स्टिमुलेशन, एक्चुअली हेयर सेल्स को स्टिमुलेशन इस तरह से मिलता है कि स्टीरियोसीलिया बेंड हो गया। तो कैसे डिटेक्शन हो रहा है वो मैंने आपको बताया, इंग्लिश में बोल के बता देती हूँ ताकि आप नोट कर सकें। दैट इज द हॉरिजॉन्टल टिल्ट ऑफ द हेड इज डिटेक्टेड बाय द मैक्यूला यूट्रिकुलाई, वाइल वर्टिकल टिल्ट ऑफ द हेड इज डिटेक्टेड बाय द मैक्यूला सेक्यूलाई। वेन द हेड इज अपराइट द ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन वेज डाउन डायरेक्टली ऑन द हेयर सेल्स, कीपिंग स्टिम्यूलेशन टू अ मिनिमम। हाउएवर वेन द हेड इज टिल्टेड, the weight of the membrane bends the stereocilia, stimulating the hair cells. And any orientation of the head causes a combination of stimulation to the utricles and sacculis of both ears. The overall orientation of the head is interpreted by the membrane by comparing the inputs from both organs to each other and to other input from the eyes and stretch receptors in the neck. ठीक है, तो आपके गर्दन में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं उनसे और आपके आई से जो इनपुट मिल रहा है, उन इनपुट को ईयर से, जो दोनों ईयर से इनपुट मिल रहे हैं और वो एक दूसरे के असर डाल रहे हैं, उन सबको एक साथ लेकर के आपका ब्रेन जो वो इंटरप्रेट करके ये बताता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब कुछ देखने का काम कर रहा होता है। इसके अलावा थोड़ा सा और हम देखते हैं कि हमने एक लाइन बोली यहाँ पर कि यूट्रिकल और सेक्युला जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह का हमने पढ़ा, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन हमने पढ़ा। तो लीनियर एक्सेलरेशन यूट्रिकल और सेक्युलाई के द्वारा होता है, तो फिर यूट्रिकल सेक्युलाई के साथ में अपन उसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है, फिर हम आगे उसको वापस से देख लेंगे कि क्या चीज़ हुई, कैसे हुआ। या चलो अपन उसको देखें, उससे पहले एक बार ना सेमी सर्कुलर कैनाल्स मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद अपन ये देख लेंगे। तो देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं इसका काम क्या होता है, यूट्रिकल सेक्युलाई का तो एक बार हमने काम देख लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो हमारे को रोटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। ये तीन अलग अलग प्लेन्स में प्रोजेक्टेड रहते हैं, ये आपने डायग्राम में देखा। हर एक कैनाल के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट पाई जाती है जिसके अंदर एंडोलिम्फ मूवमेंट करता रहता है। इस सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस पर क्रिस्टा एम्प्यूलरिस पाया जाता है। क्रिस्टा एम्प्यूलरिस क्या है? एनलार्ज्ड स्वेलिंग है बेस पर, हर एक कैनाल की बेस पर एनलार्ज्ड स्वेलिंग होती है जो कि यूट्रिकल के साथ में कम्युनिकेट करती रहती है। ये क्रिस्टा एम्प्यूलरिस है, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी आगे आएंगी तो आपके ये नाम आपको याद रहने चाहिए। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपको रोटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में या एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। तीन अलग अलग डायरेक्शंस प्लेन्स में, एक्चुअल डायरेक्शन तो नहीं, तीन अलग अलग प्लेन्स में ये प्रोजेक्टेड रहती हैं। हर कैनाल के कैनाल में सेमी सर्कुलर डक्ट होती है, डक्ट मैंडोलिम भरा रहता है और उसके बेस पर क्रिस्टा एम्प्यूलरिस पाए जा रहे होते हैं। ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। अब
स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई जो मैक्यूला होता है वो क्या है, वेस्टिब्यूल के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स हैं, ये हमारे हेड की पोजीशन के बारे में बताते हैं, ग्रेविटी के पुल के अकॉर्डिंग आपके हेड की पोजीशन क्या रहनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक ग्रेविटी से, अर्थ की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं और वो ग्रेविटी हमेशा आपको अपनी तरफ खींच रही है, पर खींच रही तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गिर पड़े अचानक ही, कि आपको खींचा ग्रेविटी ने और आप धड़ाम से गिर पड़े, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका हेड जो है वो मेंटेन रख रहा है आपकी पोजीशन को, किसके थ्रू, मैक्यूली के थ्रू जो आपके ईयर में पाए जा रहे होते हैं, और मैक्यूली क्या है, ईयर के वेस्टिब्यूल में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स। जब बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही होती है, वो स्टैटिक स्टेट में होती है, यानी वो जब रेस्ट में होती है, तो आपके ग्रेविटी के पुल से आपके हेड की पोजीशन को मेंटेन करने का काम जो है वो मैक्यूली कर रहा होता है। मैक्यूली की एनाटॉमी मैंने बता दी भाई, हेयर सेल्स होते हैं उसमें, हेयर सेल्स ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन में धंसे हुए रहते हैं, ऑटोलिथ्स टाइनी स्टोन्स हैं जो कि आपके हेयर सेल्स के चारों तरफ जो जेल है उसमें फ्लोट होते रहते हैं, ऑटोलिथ्स छोटे छोटे स्टोन्स हैं। इसका जो मूवमेंट्स है वो ऑटोलिथ्स को बेंड करता है हेयर सेल के ऊपर, ये लाइन में हमने अभी थोड़ी देर में पढ़ी थी, थोड़ी देर पहले ही, ये बेंड करने वाली लाइन, क्योंकि आपको मेंटेन कर रही है ना इक्विलिब्रियम को, तो ये हेयर सेल्स को बेंड करता है, मतलब सेंड्स इम्पल्सिस अलोंग द वेस्टिबुलर नर्व टू द सेरेब्रम टू द ब्रेन, सेरेबैलम ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के सेरेबैलम में वेस्टिबुलर नर्व के द्वारा ये इम्पल्सिस को भेजता है, जब मूवमेंट हो रहा होता है तो ऑटोलिथ्स हेयर सेल्स के ऊपर बेंड हो गए, ये लाइन मैंने आपको बताई है, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन किस तरह से बेंडिंग कर रही होती है, स्टीरियो सीरिया वगैरह की ये सब चीज़ें अपन ने अभी अभी पढ़ी, और अभी अपन आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पर तो पढ़ी अपन, आगे भी इस चीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे ये बेंड होकर के कैसे मेंटेन कर रही है आपके मूवमेंट को, ये कैसे मेंटेन कर रही होती है। तो अभी जो हमने लाइन पढ़ी है उसको अपन थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लें तो अपन को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपका डायग्राम दिया हुआ है, मेम्ब्रेन ऑफ वेस्टिबुलाई दिखाई गई है, उस वेस्टिबुलाई के मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा से ना इस डायग्राम में बताया हुआ, ये ऊपर ऑटोलिथ्स में आपको ये देखो स्टोन, ये ऑटोलिथ्स जो है वो तो स्टोन थे, छोटे छोटे आपको स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन है जेली जैसी जिसके अंदर हेयर टफ्ट धसे पड़े हैं, नीचे हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स के साथ में सपोर्टिंग सेल्स हैं, और ये नर्व फाइबर दिखाए गए हैं वेस्टिबुलर डिवीज़न के साथ में, ये कौन से नर्व फाइबर हैं, क्रेनियल नर्व एट्थ के नर्व फाइबर्स हैं ये, जो आपके ब्रेन तक रिस्पॉन्स को लेकर के जाएंगे। साइड के डायग्राम में आपको दिखाया गया है ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन, ऑटोलिथ्स और हेयर सेल्स कैसे बेंड हो रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब लग रही है तो ये कैसे बेंड हो रहे हैं, देखो डायग्राम में बहुत अच्छा अच्छा क्लियर क्लियर दिखाया गया है ना, तो इसके थ्रू आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि कैसे ये मूवमेंट कर रहा है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब आप आगे चलना शुरू कर रहे हैं स्टेशनरी स्टेट के बाद में, भाई अभी आप मान लीजिए थोड़ी देर खड़े थे या बैठे थे, आप स्टैटिक स्टेट के अंदर थे, तो जब आप चलना शुरू कर रहे होते हैं तो ये जो आपके भारी भारी ये जो भारी सी ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन है मैक्यूला यूट्रिक्यूलाई की, तो ये थोड़ी सी पीछे की तरफ आएगी टिश्यूज़ के जो रेस्ट ऑफ टिश्यूज़ उसके थोड़ी सी पीछे की तरफ आएगी जब आप मूव कर रहे होते हैं, और जब आप चलना बंद कर देते हैं तो मैक्यूलाई स्टॉप हो जाता है, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन जो होती है वो फिर भी मूव कर रही होती है उस मूवमेंट के लिए, और स्टीरियो सीलिया को वो आगे की तरफ बेंड कर देती है। ये जो प्रोसेसिंग डायग्राम के अंदर दिखाई गई है ना उसको मैं समझा रही हूँ कि क्या होता है कि आप मान लीजिए अभी बैठे थे या खड़े थे और फिर जब आप अचानक चलना स्टार्ट करते हैं तो आपके जो हैवी ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन है मैक्यूलाई की वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है टिश्यूज़ के, बचे हुए टिश्यूज़ के ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन थोड़ी सी पीछे हो जाती है, पर जब अपन रुक जाते हैं तो मैक्यूला स्टॉप हो जाता है पर जो ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन होती है वो मूव करती रहती है, मूवमेंट थोड़ी देर के लिए मूव करती रहती है और स्टीरियो सीलिया को वो आगे की तरफ मूव बेंड कर देती है। फिर हेयर सेल्स जो होते हैं इस पैटर्न को कन्वर्ट करते हैं
इस स्टिमुलेशन के पैटर्न को कन्वर्ट करेंगे नर्व सिग्नल के रूप में और वो ब्रेन तक भेजेंगे और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा। ब्रेन में इसका रिजल्ट्स क्या निकलेगा कि वो लीनियर वेलोसिटी को चेंज कर देता है या आप कहिए लीनियर एक्सेलरेशन को वो डिटेक्ट करने का काम करता है। और फिर जब अपन अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, अगर ये तो हमने आगे और पीछे का मूवमेंट देखा, अगर हम अपवर्ड मूवमेंट करेंगे तो कैसे चलेगा? अगर आप एक जगह बैठे हैं और अब आपको ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ना है, आपको ऊपर की तरफ कहीं जाना है या एलिवेटर से आप ऊपर जा रहे हैं तो उस समय कैसे मूवमेंट हो रहा होगा? अभी पहले तो अपन ने कहा कि भाई अपन बैठे थे या अपन खड़े थे सीधे और फिर अपन को आगे जाना है तो कैसे मूवमेंट करेगा। अब अगर अपन खड़े थे और अपन को ऊपर की तरफ जाना है तो आपकी जो वर्टिकुलर मैक्यूला सैक्यूलाई की ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन है यहाँ पर उसका रोल होगा। हमें जब सीधा चलना था तो मैक्यूला यूट्रिक्यूलाई की मूवमेंट, और अगर हमें ऊपर की तरफ जाना है तो मैक्यूला सैक्यूलाई की, क्योंकि ये लाइन हमने पढ़ी थी ना कि भाई मैक्यूला यूट्रिक्यूलाई तो किसके लिए हॉरिजॉन्टल के लिए रिस्पॉन्सिबल था और मैक्यूला सैक्यूलाई जो वर्टिकल के रिस्पॉन्सिबल था। तो ये लाइन्स आप याद रखिए, ये लाइन्स हमने जो बोली थी उसके साथ मैं आपको चीज़ें सिखा रही हूँ कि जब आपको ऊपर की तरफ मूव करना है तो आपका जो वर्टिकुलर मैक्यूला सैक्यूलाई की ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी पीछे होगी और हेयर सेल्स को वो पीछे नीचे की तरफ खींचेगी। उसने तो हेयर सेल्स को पीछे की तरफ किया था, ये हेयर सेल्स को नीचे की तरफ खींचेगी तो आपकी हेयर सेल्स नीचे झुक गए। और जब आप चलना बंद हो जाते हैं या आप ऊपर चले गए हैं, आप रुक गए हैं, अब आपको ऊपर नहीं जाना, अब आपको स्ट्रेट ही चलना है या जो भी आपको करना है, तो उस समय आपकी ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी देर के लिए मूव करती रहेगी जैसा हमने ऊपर लाइन बोली, और फिर आपके हेयर सेल्स जो हैं वो वापस अपवर्ड में आ जाएंगे। पहले फॉरवर्ड में आए थे, वो अपवर्ड में आ गए। पहले फॉरवर्ड में क्यों आए थे? क्योंकि वो पीछे झुके थे, तो जैसे आप रेस्ट में आते हैं वापस वो फॉरवर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर आपके हेयर सेल्स नीचे झुके थे पर जैसे ही आप रुक जाते हैं तो वापस अपवर्ड अपने स्टेट में आ जाते हैं। फिर जो ब्रेन होता है उसको सिग्नल्स रिसीव वो कर लेता है मैक्यूला सैक्यूलाई से और इंटरप्रेट करता है कि ये वर्टिकल एक्सेलरेशन था। तो ये कैसा एक्सेलरेशन था? लीनियर था, वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल था, वो आपका ब्रेन डिटेक्ट कर लेता है। तो इस लाइन को, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इसको आप कैसे लिखेंगे? हम पढ़ रहे हैं डिटेक्टिंग लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? तो हम कह रहे हैं व्हेन वी बिगिन टू मूव फॉरवर्ड आफ्टर बीइंग स्टेशनरी द हैवी ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन ऑफ द मैक्यूला यूट्रिक्यूलाई ब्रीफली लैग्स बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द टिश्यूज बट व्हेन वी स्टॉप्स मूविंग द मैक्यूला स्टॉप्स एज वेल बट द ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कीप्स मूविंग फॉर अ मूवमेंट। थोड़ी देर के लिए वो मूवमेंट करती रहती है, और क्यों करिए? बेंडिंग द स्टीरियोसीलिया फॉरवर्ड, इसलिए मूव किया ताकि वो स्टीरियोसीलिया फॉरवर्ड आ जाए। नाउ द हेयर सेल्स कन्वर्ट दिस पैटर्न ऑफ स्टिम्यूलेशन इंटू नर्व सिग्नल्स विच आर रिलेड टू द ब्रेन टू बी इंटरप्रिटेड। This results in the brain interpreting changes in linear velocity, that is detecting linear acceleration. If we begin to move upwards after being stationary, for example, going upwards in an elevator, the otolithic membrane of the vertical macula sacculi lags briefly behind and pulls down on the hair cells. When we stop moving, the otolithic membrane keeps moving for a moment, bending the hair cells upward. The brain therefore receives signals from the macula sacculi, enabling it to interpret vertical acceleration. तो acceleration linear है या vertical है वो हमारे मैक्यूला से पता चल रहा है कि वो मैक्यूला सैक्यूलाई के हैं या मैक्यूला यूट्रिक्यूलाई के। अगर आप सीधा चल रहे हैं तो मैक्यूला यूट्रिक्यूलाई आपके हेयर सेल्स को बेंड करती है पीछे की तरफ, और फिर बाद में आप रुक जाते हैं तो बेंड हो जाते हैं वो हेयर सेल्स आगे की तरफ और आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मैक्यूला सैक्यूलाई का रोल होता है जिसमें हेयर सेल्स आपके नीचे की तरफ बेंड होते हैं जब आप ऊपर जा रहे हैं, और जैसे ही आप ऊपर जाके रुक जाते हैं तो वो
थोड़ी देर के लिए मूवमेंट उसका चालू है, क्योंकि वो ब्रेन, वो जो हेयर सेल्स हैं वो अपवर्ड बेंड हो जाती हैं वापस, जो नीचे झुकी थी सीधी खड़ी हो जाएंगी, और ये आपके ब्रेन को सिग्नल चला जाता है और ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है कि ये वर्टिकल एक्सेलरेशन था। तो ये तो हमने पढ़ा एक्सेलरेशन कैसे हुआ। अब कौन सा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन कैसे हुआ। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमने कहा लीनियर के अलावा एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, रोटेशनल जिसको अपन एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब ये कैसे हमारे अंदर चल रहा होता है तो इसको देखते हैं भाई। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, रिस्पॉन्स टू एंगुलर और रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द हेड। हेड कोई रोटेटरी या एंगुलर मूवमेंट कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्ड आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम के थ्रू जाता है। इसमें क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस का रोल होता है। क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस सेमी सर्कुलर कैनाल में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स होते हैं जो हमने पहले पढ़ लिए। इसमें टफ्ट ऑफ हेयर सेल्स के ऊपर एक जिलेटिनस कैप पाई जा रही होती है जिसको अपन क्यूप्यूला कहते हैं। ये सब चीज़ें आप डायग्राम के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। देखिए नर्व सेल्स दिखाई गई है जो कि आपकी हेयर सेल से जुड़ी हुई हैं। हेयर सेल्स के ऊपर हेयर्स हैं, हेयर्स के ऊपर एक कैप आपको दिखाई गई है। टफ्ट ऑफ हेयर सेल्स के ऊपर एक जिलेटिनस कैप है जिसको आप क्यूप्यूला कह रहे हैं, और वो फ्लो ऑफ एंडोलिम्फ उसके चारों तरफ दिखाया गया है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि सेमी सर्कुलर कैनाल आप जानते हैं जिसका काम है कि ये डिटेक्ट कर रहा होता है, किसको डिटेक्ट कर रहा है, आपके मूवमेंट को। कौन से मूवमेंट को डिटेक्ट कर रहा है, ये आपके डिटेक्टिंग रोटेशनल एक्सेलरेशन। तो देखिए हर एक जो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल पड़ी उसमें से हर एक कैनाल के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट पाया जाता है, ये मैंने आपको बताया। कलेक्टिवली ये रोटेशनल एक्सेलरेशन को डिटेक्ट करने का काम कर रहे होते हैं। इनमें जो टू डक्ट्स हैं वो तो वर्टिकली पोजीशन रहती हैं हर एक के ऊपर राइट एंगल पर, ये पोजीशन इनके जो पोजीशन है राइट एंगल होती है, 90 डिग्री पर ये सिचुएटेड रहती हैं। जबकि थर्ड डक्ट जो होती है वो लगभग 30 डिग्री पर होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, हॉरिजॉन्टल प्लेन के 30 डिग्री पर होती है इसकी तीसरी डक्ट, जबकि बाकी जो दो डक्ट्स होती हैं वो 90 डिग्री पर पोजीशन रहती है। आपको डायग्राम में आपने देखा था, डायग्राम में आई हुई है ये चीज़ें, दोबारा से आप डायग्राम को देख लीजिएगा चाहें तो, कहें तो मैं आपको खुद ही दिखा देती हूँ। ये देखिए इसके अंदर ये दिखाया गया है ना कि दो डक्ट्स वर्टिकली 90 डिग्री के ऊपर है, जबकि तीसरी डक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली है 30 डिग्री पर है एक्चुअली। अभी जो डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं इन तीनों डक्ट्स के, इसकी वजह से स्टिम्यूलेशन को जो है ये स्टिम्यूलेटेड होती हैं कि किस प्लेन में हेड को जो है वो रोटेट करना है या रोटेट हो रहा है, वो चीज़ डिटेक्शन इन्हीं के थ्रू हो रही होती है। तो हेड को अपन टर्न कर सकते हैं, एक तो साइड टू साइड टर्न कर सकते हैं, अप एंड डाउन टर्न कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं साइड टू साइड, तो इस तरह के मूवमेंट्स इसमें हो सकते हैं। तो जब अपन हेड को साइड टू साइड डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब गेस्चरिंग नो, जैसे अपन नो कह रहे होते हैं ना, वो वाला साइन है ये साइड टू साइड टर्न करना, कि अपन किसी को ना कह रहे हैं तो कैसे करेंगे। आप खुद बोल करके देखिए कि आप ना बोल रहे हैं तो आप सर किस तरह से हिलाते हैं जब अपन किसी को ना कहते हैं, और अगर हम हाँ कहते हैं तो सर को किस तरह से हिलाते हैं, अप एंड डाउन करते हैं ना ऊपर से नीचे, कि मैंने आपसे पूछा आपने खाना खाया, तो आप सर को लेफ़्ट टू राइट तो घुमाएंगे नहीं, अगर आपने खाना खाया है तो आप अप टू डाउन घुमाएंगे, और अगर आपने नहीं खाया तो आप लेफ़्ट टू राइट घुमाएंगे। तो लेफ़्ट टू राइट घुमा रहे हैं वो टर्न है साइड टू साइड, और अगर आप अप टू डाउन घुमा रहे हैं अप एंड डाउन तो वो है अप एंड डाउन मूवमेंट, या फिर आप सर को साइड टू साइड टिल्ट करते हैं। क्या हिलाना, एक है आपको टिल्ट करना, टिल्ट करना मतलब आपने एक तरफ सर को झुकाया, मतलब आपका जो ईयर है वो शोल्डर को टच कर रहा है। तो ये तीन तरह से आपने गेस्चर लिए, एक तो आपने ना कहने के लिए सर को हिलाया, हाँ कहने के लिए सर को हिलाया, और किसी एक साइड आपने सर को झुका लिया, आइदर लेफ्ट और राइट, है ना। तो ये जो सभी सेमी सर्कुलर कैनाल्स है आप जानते हैं इसके अंदर फ्लूड भरा हुआ रहता है जिसको अपन एंडोलिम्फ कह रहे हैं। हर एक डक्ट जो है उसके अंदर वो खुल रही है यूट्रिक्यूलाई के अंदर, और इसमें क्या है डायलेटेड सैक पाया जा रहा होता है एक किनारे पर जिसको अपन एम्प्यूला कह रहे हैं।
ये लाइंस मैंने आपको हालांकि पहले बताई हैं, स्ट्रक्चर के अंदर बताई, पर मैं दोबारा से बता रही हूँ कि भाई आपके तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल जो हैं उसके अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ रहता है, हर एक डक्ट जो है वो यूट्रिक्युलाई के अंदर खुलती है, उसमें डायलेटेड सैक पाया जाता है उसके एक किनारे पर, जिसको अपन एम्प्यूला कह रहे हैं। एम्प्यूला के अंदर हेयर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, इनको अपन एक साथ क्रिस्टा एम्प्यूलारिस कह देते हैं। ये लाइन अपन ने अभी अभी पढ़ी कि क्रिस्टा एम्प्यूलारिस कह देते हैं। एक जेल लाइक मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन क्यूप्यूला कहते हैं, ये क्रिस्टा एम्प्यूलारिस से एक्सटेंड रहती है, कहाँ तक, एम्प्यूला की रूफ तक फैली हुई रहती है। और जो हेयर सेल्स के स्टीरियो सीलिया है वो क्यूप्यूला के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। हेयर सेल्स जो हैं वो कहाँ पे धंसे हुए हैं, इस क्यूप्यूला के अंदर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये रहे हेयर सेल्स पतले पतले बारीक बारीक से धंसे हुए हैं। और जिस समय अपन हेड को टर्न करते हैं तो आपकी डक्ट भी रोटेट होती हैं, पर एंडोलिम जो होता है वो पीछे की तरफ आता है। एंडोलिम्फ जो होता है वो पुश करता है क्यूप्यूला, पुशेस अगेंस्ट द क्यूप्यूला, क्यूप्यूला के अगेंस्ट पुश करता है, जिससे कि स्टीरियो सीलिया बेंड होते हैं और हेयर सेल्स स्टिम्यूलेट होते हैं। फिर 25 से 30 सेकंड के बाद अगर कंटिन्यूअल रोटेशन आपका चल रहा है तो एंडोलिम्फ जो होता है वो मूवमेंट को कैच कर लेता है, उस डक्ट के मूवमेंट को कैच कर लेता है और हेयर सेल को सीज कर देता है। जो हेयर सेल्स का स्टिमुलेशन होता है वो एक्चुअली सीज हो जाता है, और उसके बाद ये चीज़ें कंटिन्यू चल रही होती है, इस तरह से इसकी फंक्शनिंग हो रही होती है। तो मैंने जो आपको चीज़ बताई है मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, एक साथ मैंने क्या बोला आप नोट डाउन भी कर लीजिए। मैं भी इस टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, द सेमी सर्कुलर कैनाल्स डिटेक्टिंग रोटेशनल एक्सेलरेशन। नाउ हाउ दीज सेमी सर्कुलर कैनाल्स रोटेट द रोटेशनल एक्सेलरेशन। सो ईच ऑफ द थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स हाउसेस और सेमी सर्कुलर डक्ट कलेक्टिवली दे डिटेक्ट रोटेशनल एक्सेलरेशन। टू डक्ट्स आर पोजिशनड वर्टिकली एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, while the third duct lies at an angle of approximately 30 degrees from the horizontal plane. The different orientations of the three ducts cause different ducts to be stimulated depending on what plane the head is rotating in. The head can be turned from side to side, up and down, or tilted from side to side. Now, turn from side to side gestures no, while turned up and down gestures yes, or tilted from side to side, example touching two ears to each of your shoulders one at a time। ये चीज़ लिखने वाली नहीं है, मैंने आपको बोल करके समझाई है कि भाई साइड टू साइड टर्न करने का मतलब है जो आप नो का गेस्चर ले रहे हो, अप एंड डाउन टर्न करने का मतलब है जो आप यस का गेस्चर किसी को हाँ भर रहे हो, और टिल्टेड फ्रॉम साइड टू साइड का मतलब है आपने एक तरफ अपने सर को कंधे पर झुका लिया है, कंधे से आपका ईयर टच हो रहा है, तो इस तरह से आप जो है हेड को रोटेट कर रहे होते हैं या टर्न कर रहे होते हैं, टिल्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ है। फिर हमने बताया भी सेमी सर्कुलर डक्ट के अंदर फ्लूड वाली बात आई, तो वो आप कैसे लिखेंगे, दैट ऑल द सेमी सर्कुलर डक्ट्स आर फिल्ड विद अ फ्लूड कॉल्ड एंडोलिम्फ। ईच डक्ट ओपन्स इन टू द यूट्रिकल एंड हैज़ अ डायलेटेड सैक एट वन एंड कॉल्ड एन एम्प्यूला। इन साइड द एम्प्यूला आर हेयर सेल्स एंड देयर सपोर्टिंग सेल्स, दीज आर रेफर्ड टू एज द क्रिस्टा एम्प्यूलारिस। अ जेली लाइक मेम्ब्रेन कॉल्ड द क्यूप्यूला एक्सटेंड्स फ्रॉम द क्रिस्टा एम्प्यूलारिस टू द रूफ ऑफ द एम्प्यूला। The stereocilia of the hair cells are embedded in the cupula. As the head turns, the duct rotates, but the endolymph in it lags behind. The endolymph thus pushes against the cupula, causing the stereocilia to be bent, stimulating the hair cells. However, after 25 to 30 seconds of continual rotation, the endolymph catches up with the movement of the duct and the stimulation of the hair cell ceases.
ख़त्म यहाँ पे, कि भाई जब आपका ये मूवमेंट हो गया, आपका क्यूपुला वगैरह का रोल हो गया, स्टीरियोसीलिया बेंड हो चुका है, उसने हेयर सेल को स्टिमुलेट कर दिया है, तो 25 से 30 सेकेंड जब आप कंटिन्यूस रोटेशन कर लेते हैं, उसके बाद में आपका एंडोलिम्फ जो है वो मूवमेंट को, डक के मूवमेंट को कैच कर लेता है, और उस समय आपके हेयर सेल का जो स्टिमुलेशन था वो अब सीज हो चुका है, क्योंकि आपकी फंक्शनिंग जो थी वो चालू है, अब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म। तो ये आपके ईयर का फंक्शन हमने पढ़ लिया कि किस तरह से आपके ईयर जो है वो फंक्शन कर रहा होता है, कौन सा फंक्शनल, आपके अंदर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को बिठाने वाला फंक्शन। थोड़ा सा लंबा था ये टॉपिक, पर अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने आपको जो भी लाइंस थी बोल करके भी बता दी हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप एक चीज़ को बार बार सुन सकते हैं, जो क्लास में आप नहीं वो चीज़ सुन पाते, अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई तो मिस हो गई, पर यहाँ पर आप वापस रिपीट कर सकते हैं। तो आप अपने नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, और आप अपने क्वेश्चन पेपर को एक बार खंगाल लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका ईयर जो है वो ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ईयर वाला टॉपिक। अब इस ईयर के अंदर अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी कुछ भी नहीं बचा है, हमारा जो पार्ट बचा है वो है डिसफंक्शंस ऑफ द ईयर, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका ईयर वाला जो टॉपिक जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, आप अपने पुराने क्वेश्चन पेपर्स को भी देख सकते हैं।